नमस्कार मित्रों और अभिवादन आप सभी को। आप सभी को सबसे पहले आज के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर से यही प्रार्थना कि हमारा रिपब्लिक, हमारा गणतंत्र हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे और भारत में और उसके साथ साथ दुनिया में शांति का कारण बने। खैर, हम बात आगे बढ़ाते हैं कि जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं आज, उसी समय पाकिस्तान में भारत के प्रति एक नया नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। इस नैरेटिव की शुरुआत बहुत दूर नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान की सरकार थी, उस समय पर बाजवा वहां पर थे आर्मी चीफ, और उनका यह नैरेटिव था कि भारत के साथ में संबंध उनको ठीक करना सही लगता था। उन्हें लगता था कि भारत के साथ संबंधों को बेहतर किया जाना चाहिए ताकि जो बॉर्डर पर शांति रह सके और उसके अलावा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके लिए ये मददगार हो सकता था। लेकिन जब बदलाव हुआ और नए आर्मी चीफ आए, तो आपको याद होगा कि वही आर्मी चीफ हैं, मैं उनके हाफिज़े कुरान होने पर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको याद दिला दूँ कि इससे पहले DGMI यानी कि DG मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं और उसके बाद ये DG ISI भी रह चुके हैं। तो इनका अपना एक रुख रहा है और पाकिस्तान में ये हमेशा से माना जाता था, जो इन जनरल पब्लिक नॉलेज जो थी वो ये कि इनका जो स्टांस है भारत की तरफ वो हमेशा हॉकिश रहा है। इस बीच में जो पिछले हफ्ते में या पिछले आप यूं कहिए पिछले चार दिन के अंदर अंदर में पाकिस्तान में एक नई किस्म का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, एक नई पॉलिसी लेकर आई जा रही है और नई किस्म की जो 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 आपको कैसे कहें, कुछ नए स्टेप्स लिए गए हैं जो कुछ इशारे कर रहे हैं। मैं आपसे शेयर ये करना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल पिछले चार दिनों में अचानक DGISI यानी कि जनरल नदीम अंजुम जो है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने स्टूडेंट्स का एड्रेस किया है, उनके साथ इंटरेक्शन किया है। उसके बाद में अभी तीन दिन पहले दो दिन पहले आर्मी चीफ जो है वो एक यूथ कन्वेंशन में गए अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, जहां प्राइम मिनिस्टर ने तो एक छोटी सी स्पीच की लेकिन खुद आर्मी चीफ ने एक घंटे की स्पीच की। आपको हैरान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान है तो जो रियल मालिक है वो फौज वाले ही होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर 5 मिनट, बाकी वो 1 घंटा, और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक पहले मैं व्लॉग 2 दिन पहले कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या बातचीत हुई। उन सवाल जवाब के नतीजे में पता ये लगा गया, और ये देखिए बड़ा स्ट्रेटेजिक है जो उन्होंने कहा वहां पर अफगानिस्तान को लेकर, कि अगर किसी भी एक पाकिस्तानी की जान जाती है अफगानिस्तान की वजह से या अफगानियों की वजह से, जिसके मैंने ये कि अगर कोई मानिए कि कोई पश्तून ने या किसी अफगानी ने किसी पाकिस्तानी को मार दिया, जाहिर है हालांकि ये पूरी तरह संभव है कि कोई पश्तून भी बल्कि पाकिस्तानी हो सकता है, मगर अब आप समझिए इस बात को कि मैं किसी पश्तून अफगानिस्तानी की बात कर रहा हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी अफगानी की वजह से या अफगानिस्तान की वजह से किसी भी पाकिस्तानी, एक भी पाकिस्तानी की जान जाती है तो फिर अफगानिस्तान भी डैम्ड, यानी कि अफगानिस्तान जाए भाड़ में, यानी कि वो उसको पूरे अफगानिस्तान पर मरेंगे और वो अफगानिस्तान से जंग के लिए एक तरह से तैयार हैं। एक बात, दूसरी तरफ उन्होंने ईरान के लिए भी कुछ ऐसी ही बात कही कि अगर ये बदतमीजी करेंगे और हमारे साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा डंटा लेने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे ही रिटेलिएट करेंगे जैसे हमने अभी किया है। ओके, डन। अब वहां चीजें कुछ शांत हो रही है ऐसा बताया जा रहा है, यानी कि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर। ओके, उनके डिप्लोमेटिक मिशन भी दोनों तरफ काम करने लग गए हैं, आगे चलते हैं। मगर इसमें जो खास बात आपको देखने की है वो कुछ और है, वो ये कि ये जो पब्लिक इंटरेक्शन शुरू किया गया है स्पेशली यूथ के साथ में, इस बीच में एक और इंटरेक्शन हुआ है 2 दिन पहले ही, वो शहबाज शरीफ ने किया है स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन। बड़ा बोर किस्म का इंटरेक्शन था, शहबाज शरीफ की पब्लिक एड्रेस जो है वो बर्बाद होती है हमेशा से, आप जानते ही हैं उनकी मतलब जो पब्लिक इंटरेक्शन जो उनका होता है वो कुछ बहुत बहुत अच्छा नहीं होता है, बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता है वो, लेकिन जो भी है। तो आप देखें, DGISI, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ, ये सब के सब एक साथ 3 दिन के अंदर अंदर यूथ से इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं। ओके,
आगे आप देखिए, फिर वो नैरेटिव लेते हैं उसी यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ भारत की तरफ, और वो कहते हैं कि भारत से नॉर्मलाइजेशन तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? कि साहब भारत ने हमको कभी स्वीकार ही नहीं किया, हमको भारत ने कभी तस्लीम ही नहीं किया, और जहां तस्लीम नहीं किया तो फिर वो नैरेटिव उनको बन जाता है कि भाई फिर तो हम, जैसा कि वो हमेशा कहते हैं, रिवायती हरीफ हैं। तो रिवायती हरीफ सही, ओके। आगे देखिए, इससे बात आगे बढ़ती है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि जनाब भारत पाकिस्तान के अंदर लोगों को मरवा रहा है, टारगेट किलिंग करवा रहा है, उसमें भारत की जो एजेंसी रॉ है वो शामिल है। ये पाकिस्तान का नया नैरेटिव आ रहा है, और याद रहे ये सब का सब कैसे चल रहा है, चार दिन के अंतर में। ओके, भारत की रॉ इन्वॉल्व है उनके यहाँ पर लोगों की पब्लिक किलिंग करवाने में, टारगेटेड किलिंग करवाने में। अच्छा, आगे देखें, ये सबका सब एक पैटर्न बनाता नजर आ रहा है। याद रहे इलेक्शन के लिए बमुश्किल 2 हफ्ते रह गए हैं, 8 तारीख को इलेक्शन है, और 8 तारीख को इलेक्शन का मतलब है आज हम चल रहे हैं, आज 26 तारीख है, यानी कि लगभग 12 दिन बचे हैं। इन 12-13 दिनों के अंदर अंदर में ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ, मायने क्या है इसके, इसके बहुत मायने हैं। एक, पाकिस्तान की जो यूथ है वो लगभग 65% 30 साल और उससे नीचे है, 30-35 साल तक की है, ये उससे नीचे की है। तो आप 35 साल का लगा लीजिए पैरामीटर कि 35 साल से नीचे की है 65% पॉपुलेशन। जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की उसने एक खास धर्रे पर यूथ को डालने की कोशिश की जब नवाज शरीफ को उन्हें लाना था। यानी कि अगर आप नजदीक के फ्यूचर से देखना चाहें, नजदीक के पास से देखना चाहें, तो 2013 से लगा लीजिए, 2013 से जो जहनसाजी तेजी के साथ की जा रही थी, हालांकि शुरू तो उससे पहले हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर 2013 से मान लें तो 2013 से अब तक करीब 12 साल की जो ये जहनसाजी की गई है वहां पर लोगों की, यूथ की, उसके चलते हुआ ये है कि वो सबके सब इमरान खान के पीछे लग गए, क्योंकि तब इमरान खान को लाने की जरूरत थी। अब इमरान खान तो चले गए, इमरान खान को तो हटाना आसान था, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनको हटा दिया, फिर आपको उन्हें साइडलाइन करना था तो उनको जेल कर दिया। अब आप देखिए, लेकिन उस यूथ का आप क्या करेंगे जिसकी जहनसाजी आपने ऑलरेडी कर दी है, उसके माइंडसेट का आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये इन दिनों जो कोशिश की जा रही है, ये समहाउ कोशिश की जा रही है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट है उस माइंडसेट को चेंज करने की, उसको दोबारा से रीफ्रेम करने की कि भाई यू नो, मगर उस रीफ्रेम करने की कोशिश में कुछ बातें बड़ी अनोखी कही जा रही हैं, जिसमें जैसे भारत के रिलेशन को लेकर कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया उनका कि जी हमको तस्लीम ही नहीं करता तो हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते। ओके, और अब आप जरा सोचिए कि फिर नवाज शरीफ को लाने के पीछे क्या पर्पस थे, लाया इसलिए जा रहा था कि वो इकोनॉमी पे काम करेंगे। इकोनॉमी पे काम दो तरह से हो सकता था, एक मिडिल ईस्ट से पैसे लाए जाते इन्वेस्टमेंट के, वो अटेम्प्ट तो जा रही है कूड़े में। दूसरा ये था कि इंटरनेशनल फेस है और रिश्ते पड़ोसी मुल्कों से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने उसकी तरफ इशारे भी किए, जैसे ही वो आए थे उन्होंने पहली शुरुआत तो लंदन से ही कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने आते ही पहले ही जलसे में, जो उन्होंने इस्लामाबाद में किया था, उस जलसे में उन्होंने बात कही कि वो आते ही तुरंत सब आसपास के मुल्कों के साथ में अपने रिलेशंस ठीक करना चाहेंगे। लेकिन अब जरा देखिए, 2 हफ्ते पहले, चुनाव से 2 हफ्ते पहले आर्मी चीफ आकर एक गाइडलाइन सेट कर रहा है कि दरअसल पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते कैसे होंगे। अफगानिस्तान से जमके मारपीट की जाएगी, ईरान से किसी भी गलतफहमी में जमके मारपीट की जाएगी, और भारत उतरी वायती हरीफ है ही, उनका तो कहना ही क्या, उनसे तो कोई बात ही नहीं। तो मुझे कोई ये समझाए। अच्छा, इसी स्पीच में, इसी यूथ कन्वेंशन में एक और बात उन्होंने कही, उनसे जब कहा गया कि भाई कोई भी सरकार आती है तो उसको 5 साल पूरी तो करने के लिए दिए जाने चाहिए, ताकि वो कोई सरकार जो डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है उसको 5 साल पूरे करने के लिए दिए जाए। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कहना था कि इलेक्शन होना या किसी गवर्नमेंट का इलेक्टेड होना लाइसेंस थोड़ी है, फ्री हैंड थोड़ी दिया जा सकता है, अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो बीच में हटा दिया जाएगा उसको, तो और अगर जरूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे, याद रहे ये भी कहा गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रही है इस बीच में, जो कि हमारे पड़ोस में होने वाली राजनीतिक घटनाक्रम की निशानदेही करती हैं कि दरअसल ये किस तरफ जा रहा है और किस तरफ आने या आगे जाने का अंदेशा हो सकता है, और कैसे आपको उसके लिए दिमागी रूप से, जहनी रूप से तैयार रहना चाहिए। तो इससे ये भी बात जस्टिफाई होती है कि जब से ये नए आर्मी चीफ यानी हाफिज कुरान यानी कि आसिफ मुनीर साहब जब से आए हैं, तब से आप पाएंगे कि कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ है उसका
उसका लॉजिक समझ आता है कि वो क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनकी सोच ही यही है। तो एक ये हुआ, दूसरी तरफ अब नई एक और बात आई है कि अगर आपको इस तरह चलना है जिस तरह से वो कह रहे हैं भारत के साथ में, तो इसके माने ये हुआ कि फिर नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ भी इस तरफ जाना चाह रहे हैं, उन्होंने पब्लिकली बात कह दी है। तो इसके माने क्या हुए, इसके माने ये हुए कि दरअसल नवाज शरीफ इनके लिए यूजलेस हो चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ आएंगे तो फिर वो भारत की तरफ जाएंगे, भारत की तरफ जाएंगे तो अगर आर्मी चीफ ये सोच रहा है तो टकराव की बात आएगी, टकराव की बात आएगी वो पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कम से कम ऑन पेपर अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या किया जाए। इसके चलते अब आप मेरी खबर सुनिए, स्टेब्लिशमेंट और पीएमएलएल के बीच में, पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। उस अंडरस्टैंडिंग के तहत होने क्या जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नवाज शरीफ नहीं बनाए जाएंगे। अब ये माना जा रहा है या जो जो सूत्र बताते हैं पाकिस्तान से वो ये कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के साथ ये 16 महीने की गवर्नमेंट उन्होंने चलाई है, जूते चाट कर चलाई है हमेशा की तरह जैसे वो चाटते हैं। तो ये इसमें अगर इमरान खान को चेरी पॉलिश कहते थे तो गलत नहीं कहते थे, है ना, वो पॉलिश अच्छी करते हैं। तो वो उनका जो पॉलिसी या एटीट्यूड था वो फौज को पसंद आया है और वो चाहते हैं कि अगर इलेक्शन में पीएमएलएन को भी जिता कर ला रहे हैं जो कि ला रहे हैं जाहिर है जैसे भी ला रहे हैं, तो उसमें फिर अब प्राइम मिनिस्टर की सीट जो है वो शहबाज शरीफ को जा रही है। एक दूसरी बात, बदले में एक और एडजस्टमेंट जो की जा रही है वो ये कि पंजाब में जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली, वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है वो मरियम नवाज शरीफ को बनाने की बात की जा रही है। यानी कि दोनों के दोनों जो पोस्ट हैं सबसे इंपॉर्टेंट यानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पंजाब का चीफ मिनिस्टर वो दोनों शरीफ फैमिली से होने जा रहे हैं, एक शहबाज शरीफ दूसरे मरियम नवाज। मरियम नवाज का खाता पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के साथ में पॉलिटिकल खाता खोला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये एक नई खबर है जो मुझे आपको देनी थी कि मरियम नवाज शरीफ को एज प्राइम एज चीफ मिनिस्टर लाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर की सीट में बदलाव किया गया है, नवाज शरीफ की जगह पर अब शहबाज शरीफ की बात हो गई है। तो ये वो एक नई खबर है जो मुझे आपको देनी थी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो पाकिस्तान का एज यूजुअल डिम है, उसमें कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और ये आप मानकर चलिए इकोनॉमी क्या के ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम कर लेंगे ताकि मैं आपको इकोनॉमी का तमाम डेटा जो है वो शेयर कर पाऊँ और वो आपको बता पाऊँ, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो आने वाले दिन जो है वो कैसे होंगे। तो लेट अस कम टू दैट डे। आई होप आज शाम की तरफ को मैं आपको इकोनॉमी पर एक व्लॉग करके दूंगा जिसमें हम तमाम डेटा आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हालात हैं और क्या हालात होने जा रहे हैं। मैंने आपको इस मुद्दे पर बताया था कि जो सऊदी अरब ने शर्त लगाई थी इनकी इन्वेस्टमेंट की, वो लगाई थी ये कि वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिक में करना चाहते हैं और रिकॉर्डिक में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको 20% शेयर चाहिए रिकॉर्डिक में, और वो 20% शेयर अभी तक ये नहीं तय पाया, कम से कम अभी तक नहीं। आखिरी जो बात खबर आई थी वो ये थी कि दिसंबर के आखिरी तक ये लोग तय कर लेंगे कि कैसे 20% उनको दिए जाने। नेगोशिएशन चल रही थी उनसे भी, जो कैनेडियन कंपनी है जिसका 50% शेयर है उससे भी, लेकिन तब तक कोई बात तय नहीं हो पाई थी, दिसंबर के एंड की बात थी, वो अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक तय नहीं हुआ है कि सऊदी अरब को वो 20% कैसे जाएंगे या क्या होगा। तो ये उसके चलते सऊदी अरब से अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। IMF से 700 मिलियन ये आ चुके हैं इनके अकाउंट में। आखिरी जो है, आखिरी जो किस्त आनी है वो आनी है नई गवर्नमेंट को, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, और शायद इसीलिए इलेक्शन कराए भी जा रहे हैं। कितने दिन ये सरकार चलेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। दरअसल मेरा अपना ख्याल ये है कि मुश्किल से 1.5 से 2 साल, अगर ये 1.5 से 2 साल निकाल पाते हैं, 2 साल बाद एक और घटना होने जा रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है सरकार नहीं चल पाएगी या कुछ बड़ी गड़बड़ होएगी। वो पूछिए क्यों, आज से 2 साल बाद यानी कि लगभग जून 2026 के आखिर में इनको दे रहे हैं जनाब 77 बिलियन
और ये मैं आपको बता रहा हूँ बिना करंट अकाउंट डेफिसिट के, यानी कि 77 बिलियन की फॉरेन पेमेंट्स हैं, फॉरेन डेट की पेमेंट्स हैं, जिनमें अगर आप ऑन एन एवरेज पर एनम हर साल का 10 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट का घाटा लगाएं, तो ये बनता है 77 देने हैं और दो साल का मतलब हुआ 97 बिलियन कम से कम बनते हैं। तो अब आप जरा कल्पना कीजिए, 97 बिलियन जेब में कितने हैं फिलहाल, 8। अभी दो महीने बाद यानी अप्रैल में, अप्रैल के अंत में इनको देने हैं 24 बिलियन। कैसे कोई नहीं जानता, उसमें कितना रोल ओवर पाएगा, कौन कितना रोल ओवर देगा। हाँ, एक और बात, इस बीच में ये चाइना गए थे, चाइना के दो बैंक को इन्होंने अप्रोच किया है कुछ कर्जे के लिए, कमर्शियल कर्जे के लिए। और यकीन कीजिए कि उन दोनों बैंकों ने, जिनमें से एक एग्जिम बैंक था शायद और एक बैंक ऑफ चाइना था, दोनों के दोनों ने मना कर दिया है, इनको खाली हाथ भेज दिया है। ये कहा है कि जब तक आप पहले के सेटलमेंट नहीं करते हैं लोन्स का, तब तक आगे के सेटलमेंट, आगे के लिए नए लोन नहीं मिलेंगे। यानी कमर्शियल लोन इनको जहां से सबसे आराम से मिल जाया करते थे, अब वहां भी से मनाही हो गई है। ये दोनों बैंक सरकारी बैंक हैं, जिनमें से कभी बिना चाइनीज गवर्नमेंट के, नॉट के, कुछ भी नहीं होता है। तो अगर ये नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब चाइनीज गवर्नमेंट भी अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब आप पाएंगे कि चीजें और बुरी तरफ जा रही हैं, जो घटनाक्रम है ये कोई बहुत अच्छी तरफ नहीं जा रहा है। नई गवर्नमेंट जो आएगी, उसे आते ही IMF के पास जाना है नए एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट अब लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही खत्म हो जाएगा, मार्च में ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही मार्च में खत्म होता है, इनको नया पैसा चाहिए होगा अप्रैल से, और उसके लिए इनको भाग कर जाना पड़ेगा IMF के पास में, जल्दी से जल्दी नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, और उसके लिए नई शर्तें होंगी IMF की। बदलते जियो पोलिटिकल माहौल में वो शर्तें क्या होंगी, कोई नहीं जानता है। बहुत पॉसिबल है कि कोई एक मुल्क, मैं क्यों नाम लूं, हमें क्या मतलब, मगर कोई पश्चिमी मुल्क जो इनके ऊपर IMF देने में, IMF से पैसे दिलाने में या कोई डील कराने में सहूलियत दे सकता है, वो हो सकता है कि इनको पैसे देने के लिए ये कहे कि भाई आप ईरान से जरा धड़ाम धड़ूम करें। तो और ये लोग ग्रेजुअली ये डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे, क्यों, है तो मर्सेनरियों की फौज, दो पैसे कुछ ही करा लो, पैसे दो काम कराओ, लेबर है मौजूद है लड़ने के लिए। तो अगर अमेरिकन्स, मान लीजिए नाम ले रहा हूँ, अगर अमेरिकन्स कुछ दान देने की बात करते हैं कि लोग नहीं पूछेंगे कि तुमने पैसे कहाँ खर्चे, इतने पैसे ले लो ठोको, बहुत पॉसिबल कुछ हो जाए। मगर चीजें दरअसल बदल रही है बहुत तेजी से, खुद अमेरिका की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि चाइना में भी चीजों का पुनरावलोकन हो रहा है, वो भी अपनी इकोनॉमी पर रीलुक कर रहे हैं और चीजों को डिफरेंटली देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई पाकिस्तान पॉलिसी की बात, एक बात मैं आपसे और कर लूं, मुझे वो थोड़ी अजीब लग रही है इसलिए आपसे करनी जरूरी है। मैंने कल गौरव आर्य को एक व्लॉग करते हुए देखा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है PMO में होने वाली, साउथ ब्लॉक में होने वाली एक मीटिंग का, 13 तारीख को, 13 जनवरी को, और उसको लेकर उन्होंने फिर वो बहुत सारी बातें की, अंदर की बात, ये अंदर की बात। मुझे समझ में नहीं आता है कि अल्टीमेटली उस इस तरह के व्लॉग करने से किसका इंटरेस्ट सर्व होता है। DRDO को क्या कहा गया है, DRDO के ऊपर इसी में क्या चेंज किए जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या लिए जा रहे हैं, चाइना को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हम क्यों इस बारे में बात करें सरेआम। मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से जो दरअसल व्लॉग करते हैं, सोचने की जरूरत है कि आपको कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, ये जरा सोचिए, आखिर किसका इंटरेस्ट सर्व करना चाह रहे हैं आप। इससे कोई नेशनल इंटरेस्ट तो सर्व नहीं होता है। अगर आप बाहर आकर ये बोलना शुरू करते हैं सड़क पर कि DRDO में क्या हो रहा है और DRDO में PMO क्या कर रहा है और पिछली मीटिंग में क्या हुआ, अगर आप ये कहते हैं कि एक मीटिंग थी जो खुफिया थी और फिर आप उसका उसके हालचाल बाहर बता रहे हैं, तो फिर उसमें खुफिया क्या रह गया, एक सवाल है ये, उस मीटिंग में खुफिया क्या है अगर आप उसके बारे में पब्लिकली YouTube पर बैठकर बातें बना रहे हैं। क्या आप सिर्फ व्यूज लेना चाहते हैं, तो ये कीमत तो बहुत ज्यादा है उस नुकसान से जो आप कर रहे हैं, आपका नुकसान जो है ये ज्यादा बड़ा है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, नुकसान बहुत बड़ा है उस कीमत से जो आपको मिल रही है इन व्यूज के जरिए
जो आपको YouTube से मिलेगी। तो जरा सोचें और इसमें परिवर्तन करें। ये हमें हमें स्ट्रेटजी का फेस पर बात करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन उस स्ट्रेटजी का फेस पर डिस्कशन के नाम पर क्या हम नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो मीटिंग्स हो रही हों उनकी बातें करना शुरू कर दें? अगर वो बात सही भी है तो भी, मेरा मतलब ये, मैं तो जानता भी नहीं कि जो जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं ऐसी कोई मीटिंग हुई या नहीं, लेकिन अगर किसी को ऐसी मीटिंग की खबर भी लग जाए तो क्या उस पर बाहर आकर बोलना जरूरी है? क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं वो खुफिया मीटिंग थी, तो उसे खुफिया क्यों नहीं रहने देते भाई? 5 साल की फौज की नौकरी आपको इतना बड़ा एक्सेस तो नहीं दे सकती कि आप पीएमओ और साउथ ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है ये आप जान पाए? तो क्यों यार गपोड़ी बाजे कर रहे हैं, क्यों? इतनी गप भी जरूरी नहीं। खैर मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे लगा अपने कंसर्न आपसे शेयर कर लूं और आपको उस नैरेटिव पर जरा देखने के लिए कहूं कि जरा देखें ये हो क्या रहा है। हाँ, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं आज के लिए, एक और बात, ये जो मैंने आपको बताया कल जो नैरेटिव नया पेश किया गया है कि भारत के लोग जो है या भारत की सीक्रेट एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में लोगों को मरवा रही है, उसमें एक बदगानी आपको मुझे रह गई। उसमें पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने कल रात एक व्लॉग किया है, उमर चीमा, कमर चीमा के कजन ब्रदर और कोई नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आपको याद होगा पनामा पेपर्स जो वो पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसमें पनामा पेपर्स की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें शामिल थे। मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ आपसे, कल उन्होंने इस बारे में बातचीत की और उन्होंने वही जो नेशनल सिक्योरिटी का एनालिसिस होता है उन्होंने अपने करने की कोशिश की कि भाई भारत के लोग शामिल हैं, बहुत समय से शामिल हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कांटेक्ट करते हैं, दुबई में से कांटेक्ट करते हैं यूएई में, और फिर वहां से जो है कोई जर्मनी में औरत होती है वो फंडिंग करती है इनकी, यू नो इस तरह की चीजें बाहर आई हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता, एक सोशल मीडिया तो सबके लिए खुला हुआ है और हम भी तो अपने यहाँ पर, आपको मालूम होगा हनी ट्रैपिंग होती है, हमने पिछले दिनों साइंटिस्ट डीआरडीओ के ही थे जिन्होंने जिन्हें बर्खास्त किया गया था, अरेस्ट किया गया था, इसरो में भी इस तरह की चीजें बाहर आई हैं। तो आप जरा सोचें कि ये काउंटर इंटेलिजेंस जो है वो तो कॉन्स्टेंटली हर वक्त हर जगह चलती ही रहती है, इवन दो मित्र देशों के बीच में भी चलती रहती है। तो भैया परेशान काहे हो रहे इतना उमर चीमा साहब, ये जो आप कह रहे हैं वो आपके लोग भी करते रहते हैं और मैं नहीं जानता कि आपको अचानक पिछले 4 दिनों में ये सारी बातें कैसे याद आ रही हैं। अगर आपको ये लगता है कि भारत की एजेंसी इतने दिन से लोगों को वहां मरवाए चली जा रही है तो अब तक आप कहां थे? जब कनाडा बोला तब आप कहां थे? जब आप अमेरिका ने बोला तब आप कहां थे? क्या आपको नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के साथ मिलकर? क्या आप बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं तो हम भी जरा बोल रहे हैं आपस में? क्या फजूल की बात है जो कहानी आप गढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के नाम पर, ये कहानी तो कोई भी किसी भी सपने में गढ़ सकता है। प्रूफ किसी ने देखे नहीं, किसी को दिए गए नहीं, किसी से शेयर किए गए नहीं, भारत से कंप्लेंट की गई नहीं। क्या ये डोजियर जिनकी बातें वो कर रहे हैं, जिन बातों को वो कह रहे हैं इनको साबित किया जाता है? अभी तक तो नहीं। तो फिर बोल क्या रहे हो मियां, एवी हवा में नैरेटिव, कितने फेक नैरेटिव बनाओगे? एक और पत्रकार जो हमारे दूसरे हैं वो क्या नाम है उनका, कामरान यूसुफ साहब, वो पीछे कह रहे थे कि देखिए भारत ने जब ईरान के ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारी तो भारत ने कहा कि भाई हर एक को हक है कि अगर उसको लगता है कि उसके यहाँ पर कोई टेररिस्ट हमला हो रहा है तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हमें उनको उस मुल्क को हक है कि उसको ठोक दे, तो हम तो ऐसी किसी भी मुल्क को सपोर्ट करते हैं। जिसके मायने उन्होंने ये निकाले कि भारत ने ईरान के मिसाइल स्ट्राइक को सपोर्ट किया। अब वो कहते हैं कि हमने भी तो वहां पर स्ट्राइक किया है, तो बाय इंडियाज लॉजिक अब इंडिया को पाकिस्तान को भी प्रेस करना चाहिए कि हमने उनके आगे टेररिस्ट मार दिए। अबे लाला, इतनी समझ में नहीं आती क्या? जो लोग टेररिस्ट बनाते हैं उनको टेररिस्ट पे हक कर मारने का हक कहां से पहुंचता है? और सबसे ज्यादा जो तुक बनती है पिटाई करने की वो तो उन्हीं लोगों की बनती है जो टेररिस्ट बनाते हैं, और वो कौन सा मुल्क है? आप लोग मियां, समझ नहीं आ रही बात? तो जो लॉजिक तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है वो तुम पलट के औरों पर नहीं लगा सकते, क्योंकि आप वो सारे काम करते हैं, आप टेररिस्ट बनाते हैं, आपके यहाँ टेररिस्ट फैक्ट्री है। इसकी वजह से ये सिद्धांत आप पर नहीं लगाया जा सकता, ये प्रिंसिपल आप पर लागू नहीं होता कि आप किसी पर किसी के यहाँ टेररिस्ट पर जाकर हमला करेंगे, क्योंकि टेररिस्ट तो बनाए ही आपने थे इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, जरा समझे बात को, बड़ा सीधा सीधा लॉजिक है, बात समझ में क्यों नहीं आती आप लोगों को? मियां थोड़ा लॉजिक लगाया करो, पढ़ा लिखा करो,
जैसे वो साजिद तरार साहब कहते हैं ना, गणित पढ़ा करो इंग्लिश पढ़ा करो, दोनों ही नहीं पढ़ते हो हमेशा। खैर मित्रों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय फॉर नाउ, लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।